नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वास्तु में कलर्स जो है, कलर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। ये जो कलर्स है, कौन से दिशा में कौन सा कलर होना चाहिए, उस दिशा में अगर वास्तु दोष है तो कलर यूज करके भी हम कुछ रेमेडीज करके पॉजिटिव रिजल्ट ले सकते हैं। तो वो कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हम देखते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सा कलर है, उस कलर को आप वहां पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और उससे आपको क्या पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। हम सभी जानते हैं मेन डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये मेन डायरेक्शन है। हर एक डायरेक्शन को कुछ तत्व होते हैं, जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी तत्व, ये सभी तत्व इस वास्तु में स्थित है। तो कौन से तत्व का कौन सा कलर है और वो किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस प्रकार से वास्तु दोष कम हो सकता है वो इस्तेमाल करके, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखेंगे जल तत्व के बारे में। जल तत्व जो है, इसका कलर है जल तत्व का ब्लू। ये ब्लू कलर और जल तत्व वास्तु में कहां पर होता है और कैसे इसके रेमेडीज हम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्थ, ये जल तत्व रिलेटेड दिशा है। यहां से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन आता है जल तत्व के अंडर। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर यहां पर जल तत्व है तो हम यहाँ पे ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपकी कौन सी रूम है या फिर ओपन स्पेस है या फिर जो भी जगह है, उस प्रकार से आप ये कलर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पर गेस्ट रूम है तो आप गेस्ट रूम में जो भी सोफा सेट यूज करोगे, उस सोफा सेट के लिए कुशंस या सोफा कवर, या फिर आपका सीनियर्स का बेड है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, तो उस बेड के ऊपर जो बेडशीट है, कुशंस है, ये सभी आप ब्लू कलर में इस्तेमाल कर सकते हो। आप वॉल को ब्लू कलर दे सकते हो। इस प्रकार से इस नॉर्थ 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 वेस्ट से लेकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तक आप ब्लू कलर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कभी भी आपको दूसरे कलर नहीं आने देना है, जैसे कि कंप्लीटली ऑपोजिट जो रेड कलर है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रेड जो है वह अग्नि तत्व रिलेटेड कलर है, वो अगर पानी में आ गया तो फिर से वास्तु दोष उत्पन्न होगा। तो इस कलर, ये कलर्स जो है, कलर की अपनी एक प्रॉपर्टी, अपनी एक एनर्जी होती है। अगर अगर कलर्स ही नहीं रहेंगे तो हमको वो एनर्जीज नहीं मिलेगी। हम कहते हैं कि यार धूप है, धूप में व्हाइट कलर के कपड़े यूज करो। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को अब्सॉर्ब करता है, इसकी वजह से और गर्मी हो सकती है, इसलिए धूप में व्हाइट कलर यूज करना है। ऐसे ही हर एक कलर की प्रॉपर्टी है। वैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो ये पूरा पोर्शन है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर इस्तेमाल करना है। ये जल तत्व है, जैसे कि यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक या पानी रख सकते हैं, वैसे यहाँ पर जो कलर है ये ब्लू कलर इस दिशा का है। इस दिशा में अगर ये कलर आप देते हैं, या फिर आपको जॉब में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम आता है, या फिर आपके करियर में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर ब्लू कलर जरूर इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों, और एक बात है, अगर ब्लू कलर आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सके, ऑलरेडी कोई यहाँ पर कलर है, जैसे कि दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर व्हाइट कलर, व्हाइट कलर आप यहाँ पे दे सकते हो। व्हाइट कलर भी यहाँ पर कई मात्रा में चलता है। ये डायरेक्शन तो आप समझ सकते हो, आपके अपॉर्चुनिटीज, आपका जॉब, आपका करियर, आपके जो भी चीजें हैं, आपके काम के रिलेटेड, इसके इस डायरेक्शन से वो सबका कनेक्शन है। तो यहाँ पर या तो आप ब्लू कलर यूज कीजिए या तो व्हाइट कलर, ये दो कलर आप इस डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। तो ये फर्स्ट हो गया जल तत्व। जल तत्व के बाद में हम देखेंगे वायु तत्व। वायु तत्व जो है ईस्ट में आता है। ये जो ईस्ट है ये वायु तत्व की है और इसका कलर है ग्रीन। वायु तत्व चालू होता है, यह है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और यहां पर ईस्ट साउथ, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये जो है यहां पर। तो ये पूरा पोर्शन
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट साउथ ईस्ट तक का जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन आपको आपके यहाँ पर पेपर पे ड्रॉ करना पड़ेगा, आपके घर का प्लान, आपको ये प्रॉपर पोर्शन मिल जाएंगे। तो ये पूरा जो है ये है वायु तत्व के अंदर। वायु तत्व का कलर है ग्रीन, और वायु तत्व जो है, वायु तत्व की वजह से आपके जो किड्स है, आपके बच्चे हैं, इनकी प्रोग्रेस, इसके रिलेटेड यहाँ पर सब चीजें होती है। वास्तु में जो यहाँ की एनर्जी है, वो एनर्जी बच्चों का प्रोग्रेस, बच्चों की पढ़ाई, ये सभी चीजें इंडिकेट करती है। इसलिए वायु तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है वास्तु में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी देखते हैं बच्चों के लिए स्कूल कौन सा अच्छा है, उसको स्टडी के लिए कौन सा रूम अच्छा होना चाहिए, उसको बेडरूम कौन सा देना चाहिए, ये सभी हम देखते हैं। लेकिन ये सभी अगर आप प्रॉपर करके फिर आप अगर यहाँ पर पृथ्वी तत्व का कलर देंगे तो आपको इस डायरेक्शन का रिजल्ट थोड़ा निगेटिव आएगा, और ये इम्पैक्ट करता है आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे हैं उनके ऊपर। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरा सब सेटल्ड है, मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पर कितने भी वास्तु प्रॉब्लम हो मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन पे जरूर इम्पैक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है आपको वायु तत्व जो है इसका ख्याल रखना है। वायु तत्व ईशान कोण से लेकर, मतलब जो ईस्ट का ईशान कोण है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट साउथ ईस्ट तक, ये पूरा जो है ये वायु तत्व है। वायु तत्व में आप ग्रीन कलर इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जो भी कर्टन्स रहेंगे, कर्टन आप ब्लू कलर के लगा सकते हो। आपका अगर मेन डोर है, मेन डोर को जो कर्टन रहेगा, या फिर डोर को आप कुछ कलर थोड़ा सा दे सकते हैं, या आपका सेफ्टी ग्रिल है कुछ है तो आप वहां पर ग्रीन कलर इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली वास्तु के अनुसार गार्डन जो है घर का वो ईस्ट में हम बनाते हैं, ईस्ट में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, तो वो भी ग्रीन कलर ही इंडिकेट करता है। अगर आपके यहाँ पे पौधे हैं तो उनको हरा भरा रखिए, वो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। तो पहले हमने देखा है जल तत्व, उसके बाद में वायु तत्व देखा है, ये दो कलर आपने देख लिए हैं। ये दो कलर जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो है वो आपका करियर, आपकी अपॉर्चुनिटी, इसके रिलेटेड है। आपको जो भी फ्यूचर में चीजें मिलने वाली है आपके जॉब से, आपके बिजनेस से, एक उसके रिलेटेड है। दूसरा जो है बच्चों के रिलेटेड, उनकी पढ़ाई, उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस, ये सभी चीजें जो है ये वायु तत्व के रिलेटेड है। तो ये दो डायरेक्शन हमने अभी देखी है। इसके बाद में तीसरी डायरेक्शन अगर हम देखते हैं तो तीसरी डायरेक्शन ये साउथ है, ये साउथ साउथ ईस्ट है। ये अग्नि तत्व की हम अभी बात करेंगे। तो अग्नि तत्व जो है साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, और ये दिस इज साउथ ईस्ट और साउथ। तो अग्नि तत्व मोस्टली इतने जो पोर्शन है, इस पोर्शन में अग्नि तत्व आता है घर का। अग्नि तत्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्नि तत्व हमें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सभी चीजें दिलाता है समाज में। प्रॉस्पेरिटी, ये सभी चीजें हमको अग्नि कोण से आती है। अग्नि कोण अगर कुछ डिफेक्ट है तो वो आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर परिणाम करेगा। तो इसका कलर है रेड। यहाँ पर मोस्टली हमारा किचन होता है। अगर किचन यहाँ पर नहीं है तो भी आपको इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप दीवार पे रेड कलर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बहुत बार लोगों का बेड यहाँ पर होता है इस कोन में, तो आप रेड कलर के कर्टन वगैरह यूज कर सकते हो इस रूम में। आपको दीवार पर अगर रेड कलर पॉसिबल नहीं है तो उसको कुछ ऑप्शंस भी है, जैसे आप पिंक कलर दे सकते हो, या फिर यहाँ पर कुछ मात्रा में ग्रीन कलर भी चलता है, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है वायु तत्व का, लेकिन एग्जैक्ट ग्रीन नहीं, लेकिन पिस्ता कलर आप थोड़ा सा यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, पिस्ता कलर, नॉट एग्जैक्टली ग्रीन। ओके, तो उसके लिए जो ऑप्शंस है वो वाइट भी है कई मात्रा में, लेकिन सबसे मोस्ट प्रेफरेंस जो है वो है रेड कलर। रेड कलर आप यहाँ पर दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं ये बहुत भड़क कलर है, इसको हम दीवार पे कैसे दे रेड कलर। तो दीवार पे जहां पर आपका ये पोर्शन आ रहा है साउथ ईस्ट या फिर साउथ साउथ ईस्ट,
तो वहां पर आप कुछ डिजाइन निकल सकते हैं रेड कलर से दीवार के ऊपर। आपका वहां पर सोफा है, बेड है, कुछ है तो आप कुशंस रखिए, बेडशीट रखिए, विंडो है तो कर्टन आप लगाइए जो कि रेड कलर के होंगे। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो रेड कलर से। अग्नि तत्व जो है, अग्नि तत्व बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि अग्नि तत्व की वजह से जैसे मैंने कहा है मान सम्मान सामाजिक प्रतिष्ठा ये चीजें उन सभी से जुड़ी हुई रहती है। अभी इसके बाद में हम देखेंगे पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है ये साउथ वेस्ट, दोस्तों ये थोड़ा लाइट दिखेगा लेकिन जो तत्व का जो कलर है उसी से मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। तो पृथ्वी तत्व जो है इसका है येलो कलर, तो येलो कलर जो है साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और इधर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। तो ये जो जोन है ये है पृथ्वी तत्व का जोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपकी चीजें आएगी, दीवार हो या फिर आप यहाँ पर कुछ फर्नीचर रख रहे हो या फिर कुछ भी चीजें, तो आप यहाँ पर पीले कलर का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आपको यहाँ पर पृथ्वी तत्व की एनर्जी मिलेगी। पृथ्वी तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में क्योंकि ये हमको स्टेबिलिटी देता है। पृथ्वी तत्व में कभी भी जल तत्व का कलर मत आने दीजिएगा, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। आपके रूट्स मतलब अगर हम जमीन में पानी डाल देते हैं तो वो थोड़ी ढीली हो जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पानी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर वायु तत्व नहीं आना चाहिए। पृथ्वी तत्व बहुत महत्वपूर्ण है आपका स्टेबिलिटी, आपके फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी ग्रोथ, इन सभी के लिए। जो घर का स्वामी है, घर का मुख्य पुरुष है, उसके लिए पृथ्वी तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसलिए ध्यान में रखिए साउथ साउथ वेस्ट में और वेस्ट साउथ वेस्ट में आपको पृथ्वी तत्व का जो पीला कलर है ये यहाँ पर देना है। तो अभी हमने देखे हैं जल वायु अग्नि पृथ्वी, अभी रह गया है आकाश तत्व। आकाश जो है नॉर्मली इसको हम व्हाइट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी व्हाइट कलर यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता हूँ इसलिए मैं आपको ब्राउन कलर में दिखाऊंगा। तो आकाश तत्व जो है इसका कलर है व्हाइट और इसका जो रीजन है मतलब ये कहाँ पर होना चाहिए, वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, ये वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट का ये पोर्शन कुछ आप यहां से ले सकते हैं। देन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये जो पोर्शन है तो ये पूरा पोर्शन आप ले सकते हो आकाश तत्व के लिए। आकाश तत्व आएगा यहां पर, ये जो है ये उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं या फिर जो कि बाहर जिनका काम हमेशा रहता है बाहर घूमना या फिर मार्केटिंग करना, इन लोगों के लिए आकाश तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर व्हाइट कलर लगाना जरूरी है। व्हाइट कलर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपका बिजनेस में आपके पार्टनर से आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो हो गया, आपके जॉब में जो भी आपके दोस्त है या आपके कलीग्स है उनसे आपको जो सपोर्ट मिलना है ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगी अगर आप इस पोर्शन में व्हाइट कलर रखते हो। दोस्तों ये कलर्स है, कलर्स बहुत मैटर करते हैं, हर एक कलर की एक एनर्जी होती है। हम देखते हैं कि लोग सिलेक्टेड लकी कलर की गाड़ी लेते हैं, लकी कलर का सोफा लेते हैं, तो आप जब सोफा लोगे तो उसको आप कहाँ रखने वाले हो घर में ये देखिए और उस हिसाब से उसको आप कहो और उसका कलर चूज कीजिए तो आपको उससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।